बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव किस तरह से तैयारियां हो पाएंगी? जैसा कि आज बीजेपी का नेता सम्मेलन है, इसमें अन्य गोस्वामी जी का नाम पूरी तरह से उत्तरी को तैयार करने का काम है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जैसा कि आप सबको पता ही है कि चुनाव एकदम नज़दीक है और नज़दीकी चुनाव के नाते हुए पूरी रूप की जो कमी थी हमारे मन में उनका रिजिक्शन जो थी बाकी सरकार में करने का काम हमारे करेंगे हमारे जनता के साथ में। और इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी इतनी अनुशासित है। ये बात आपको आज के कार्यक्रम से लोग आए हुए हैं उनको बैठने से उनके आप लोगों के सामने अनुशासित रह करके बात करने से स्पष्ट होता है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी भारत में सबसे अनुशासित पार्टी। ये बताइए विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या अभी संभावनाएं हैं दूसरी पार्टियों से बातचीत चल रही है? जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की चार चार बार रही परमाधानी अभ्यर्थी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये सारे अधिकार आदरणीय अभ्यर्थी के पास बिल्कुल सर्वाधिकार सुरक्षित रूप में वो माननीय अभ्यर्थी ने स्पष्ट रूप से व्हाइट के माध्यम से और प्रेस नोट के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में